अस्सलाम वालेकुम। आज बनाने जा रही हूँ मैं अली के दादी के किचन में ये मटन वाइट ग्रेवी वाला मटन। इसमें देखो, सबसे पहले काजू 50 ग्राम, कांदा 3 से 4, कोथमीर, पुदीना, दही, ये थोड़े अच्छे गरम मसाले और थोड़ा ज़ीरा इसमें, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची 6 से 8। तीखा तो आप लोग जैसा चाहिए आपको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको सबसे पहले कुकर में मैं बॉईल करूँगी अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। नमक अदरक लहसुन डाल के बॉईल कर लूँगा इसको। बॉईल करने के टाइम अदरक लहसुन और थोड़ा सा नमक, तो 1-2 सीटी के बाद कम से कम 15 मिनट पकने देना, तो गोश्त अच्छा सॉफ्ट होता है, नरम नरम होता है। इसमें अभी बनाने का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्याज को थोड़ा फ्राई करेंगे, हल्का हल्का से फ्राई कर लेंगे प्याज को। इसको ब्राउन नहीं करना है, खाली थोड़ा इसका कच्चापन निकल जावे, ऐसे हल्का से फ्राई कर लेने का है। बस अभी निकाल लेंगे, इसको मिक्सी में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे अपन। इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची, इसका पेस्ट बना लेंगे। काजू, इसका भी पेस्ट अच्छे से बना लेंगे पानी डाल के। ये पेस्ट बन गया इसका। अब ये कढ़ाई में तेल गरम होने में गरम मसाले अच्छे सब डालेंगे इसमें। इसको अच्छा थोड़ा फ्राई होने देंगे। डालेंगे पेस्ट कांदा हरी मिर्ची अदरक लहसुन का। इसको 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। अच्छा 2-3 मिनट भून ले दिखा इसको। इसको इसमें हल्दी नहीं, ये गोश्त हो गया हमारा। इसमें गोश्त पहले डालेंगे, अब इसको थोड़ा देर पकने देंगे 5 मिनट। फिर डालेंगे दही, काजू का पेस्ट, कलर अच्छा सफ़ेद होता है और बहुत खूबसूरत दिखता है और बहुत टेस्टी भी होता है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई करना इसको रोटी के साथ, नान के साथ। कोथमीर पुदीना पर से बारीक कटा हुआ, अब इसको कोयले का धुआं देंगे थोड़ा। हम लोग घी में डालना कोयले में, और इससे तो इतना टेस्टी होता है ना, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई, इसका चिकन का भी बना सकते हैं, मटन का भी, बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ये तैयार है, हम सब करते हैं खाने के लिए। हाफिज़। बहुत अच्छा, ऐसे अच्छे से अच्छी बनती है रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अल्लाह।